HR के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें। बुलेटिन के आखिरी भाग में सुनिए रुयलकन समाचार। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें और अंतिम चरण में सरकार ने आज सभी क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार नई लोक उपक्रम नीति लाएगी। इसमें सभी सेक्टरों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोला जाएगा। लोक उपक्रम चुनिंदा रणनीति क्षेत्रों में ही कारोबार कर सकेंगे। इन सेक्टरों को नोटिफाई किया जाएगा। अगर किसी रणनीतिक क्षेत्र में 4 से अधिक सार्वजनिक कंपनियां होंगी तो उनका विलय या निजीकरण किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस महामारी की चुनौती के बीच पश्चिम बंगाल के अस्पतालों की 400 नर्सों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वे अपने गृह राज्यों को लौट गई हैं। मणिपुर की 185 नर्सें अपने गृह प्रदेश लौट गईं, जबकि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की 186 नर्सें अपने राज्यों को चली गई हैं। ये सभी नर्सें कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न निजी अस्पतालों में सेवाएं दे रही थीं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान के अलवर और भरतपुर से प्रवासियों को देश के अन्य हिस्सों में ले जाने के लिए 500 बसों की व्यवस्था की है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में इस बाबत प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि कांग्रेस को अपनी 1000 बसें उत्तर प्रदेश भेजने की बजाय पंजाब और चंडीगढ़ भेजनी चाहिए, ताकि प्रवासी मजदूर यमुना नदी के जरिए यात्रा करने के बजाय इन वाहनों से अपने गृह राज्य जा सके। बांग्लादेश में चक्रवात अम्फान देश के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। बांग्लादेश के मौसम विभाग के एक मौसम वैज्ञानिक मोनवर हुसैन ने कहा कि जिस रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तूफान को 2 दिनों में तट से टकराने की आशंका है। और अब पेश है रुयलकन समाचार। खबर बरेली से। आज लॉकडाउन 3 खत्म हो गया। कुछ नए संक्रमित मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, सिर्फ जरूरतमंद ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अचानक से लागू किए गए लॉकडाउन में दूसरे शहरों और राज्यों में फंसे हुए मजदूर पैदल, साइकिल या रिक्शा के सहारे मुरादाबाद लौटने को मजबूर हैं। सफर लंबा है, लेकिन गरीब मजदूरों के हौसले, हिम्मत और जज्बा बुलंद है। ऐसे कई मजदूर आज भी मुरादाबाद पहुंचे। पीलीभीत में दिमागी तौर से कमजोर एक युवक ने धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस की समझदारी से मामला संभल गया। सूचना पाते ही SDM और CO भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत ही धार्मिक स्थल पर निर्माण करवा दिया, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खबर बदायूं से। जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधानों को साफ निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको गांव के बाहर स्कूलों में क्वारंटीन किया जाए, साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लेकिन यहां ठीक उसके विपरीत है। थाना जरीफ नगर के गांव भोजीपुरा पावई में बाहर से आए मजदूरों को प्रधान और सचिव ने जंगल में एक ट्यूबवेल पर क्वारंटीन कर दिया है। यहां उनकी कोई सुध भी नहीं ले रहा है। आखिर में बरेली के मौसम का हाल। रविवार को दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। कल भी 39 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है। आसमान पर बादल छाए रहेंगे। इन खबरों को डिटेल में जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.amritvichar.com। नमस्कार।